इस क्वेश्चन में दिया गया है कि सपोज करो एक लाइट है जिसका वेवलेंथ है लैम्डा वन 200 नैनोमीटर है, 200 नैनोमीटर है, तो पूछ रहा है करिस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी, करिस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी के वन है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। जब वेवलेंथ को मैंने दोगुना कर दिया, दोगुना कर रहा हूँ, हाफ कर दिया, वेवलेंथ को हाफ करेंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी है वो सपोज करिए पहले का 3 times हो गया, 3 of K1 हो गया, तो फाइंड वर्क फंक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछता है कि अगर वेवलेंथ 200 नैनोमीटर है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फोटॉन एनर्जी K1 है, और जब वेवलेंथ हाफ हो जाता है तो जो मैक्सिमम एनर्जी होती है वो पहले की 3 गुनी हो जाती है, तो फाइंड वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे और फिर समझेंगे। तो इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी K1 बराबर क्या लिखोगे, HC/λ, तो C/λ1 माइनस वर्क फंक्शन डिवाइड बाई, और इसके लिए भी क्या लिखेंगे, 3K1 बराबर HC/λ2 माइनस वर्क फंक्शन। अब दोनों को डिवाइड करना है तो 1/3 बराबर रेशियो HC की वैल्यू मुझे पता है कितना, 12400, और लैम्डा 1 किस में है, नैनोमीटर में, एंगस्ट्रॉम में बदलना है, तो 2000 माइनस वर्क फंक्शन डिवाइड बाई HC की वैल्यू अगेन 12400 डिवाइड बाई 1000 लिख दें यहाँ पे, और माइनस वर्क फंक्शन, जिसे सॉल्व करोगे ना तो वर्क फंक्शन की वैल्यू सॉल्व होके आ जाएगी, इसके हमें ध्यान रखना नहीं। अच्छा, इसमें एक और पैटर्न चेंज करता है, कहता है कि अगर वेवलेंथ इतना है तो स्पीड भी वन है, मैक्सिमम कैंडिडेट की इलेक्ट्रॉन का स्पीड भी वन है, जब वेवलेंथ हाफ कर दिया तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन का स्पीड √3 times V1 हो गया, तो बताइए वर्क फंक्शन कितना होगा। तो ये जो K1 है ना, अपनी बार क्या लिखेंगे, ½ m V² और यहाँ पे ½ m V की जगह पे √3 V1² दोनों को भाग करेंगे फिर सॉल्व कर जाएंगे। तो कभी ये काइनेटिक एनर्जी के रेशियो पूछेगा और कभी ये स्पीड के रेशियो पूछेगा, तो हम इसको इस तरीके से डील करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में है कि वेवलेंथ दिया गया 2×10⁻⁷ मीटर, स्टॉपिंग पोटेंशियल 2.5 वोल्ट, तो कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम कैंडिडेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, वर्क फंक्शन मेटल कितना है, थ्रेसोल्ड वेवलेंथ कितना होगा। ठीक है, लाइट का चलो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इस स्टॉपिंग पोटेंशियल का कुछ मतलब समझते हैं। इसके ज़्यादा से आप एक फोटोन की एनर्जी निकाल लोगे, और एक फोटोन की एनर्जी अगर निकालनी है तो एक फोटोन की एनर्जी आप क्या बताओगे, 12400 डिवाइड बाई वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम, तो मीटर में है ना, तो 2×10⁻⁷ × 10⁻⁷ करेंगे, बढ़ाना है ना एंगस्ट्रॉम में, वैल्यू छोटी करना है तो ये वैल्यू हो जाएगी 2000 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल गया। तो हमने एक फोटोन की एनर्जी निकाल ली 6.2। दूसरा, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है एक फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, अरे जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है इसको लिखते हम लोग E×Vs, स्टॉपिंग पोटेंशियल × E। ठीक है, तो इससे आप चाहो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, अच्छा यहाँ देखो काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बराबरी है। तो अगर कोई पूछे कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है जबकि स्टॉपिंग पोटेंशियल 2.5 वोल्ट है, तो इसी को आप क्या लिखोगे, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात एक ही है, जब काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो उसी वोल्ट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल देंगे, और जब हम लोग पोटेंशियल की बात करेंगे तो सिर्फ वोल्ट बोलेंगे। तो अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल 2.5 वोल्ट है तो कोई पूछे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो आंसर इज 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल देंगे, वोल्ट में है पोटेंशियल ड्रॉप तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल देंगे, उतना है। तो हमने पहले पार्ट का आंसर निकाल लिया कितना, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वर्क फंक्शन पता करना है तो इस इक्वेशन में पुट कर दें 2.5 Kmax और HF, एक प्रोटॉन की एनर्जी कितनी है 6.2 है माइनस वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा, 6.2 माइनस 2.5 कितना आएगा 7, और 5 से 2 गया 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन है। तो हमने इस क्वेश्चन का भी आंसर कैलकुलेट कर लिया कि दिस वन इज 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब पता करना था थ्रेसोल्ड वेवलेंथ, तो थ्रेसोल्ड वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी ये वर्क फंक्शन निकलता है,
वर्क फंक्शन इक्वल्स टू होता है एच इंटू एफ टी एच, मतलब फोटान की एनर्जी जो वर्क फंक्शन के बराबर हो, तो उस वक्त जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको बोलते हैं थ्रेसोल्ड फ्रीक्वेंसी। डाउट है? तो आपने वर्क फंक्शन निकाल चुके हैं 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एसआई सिस्टम में बदलेंगे, इनटू एच प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 10 पावर माइनस 34 इनटू एफ टी एच। देखिए ये बनेगा, ये लगभग हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो एफ टी एच की वैल्यू हो जाएगी 3.7 1.6 डिवाइड बाई 6.67 इंटू 10 का पावर, ये इधर आएगा तो बन जाएगा 15, इतना हर्ट्स इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई, थ्रेसोल्ड फ्रीक्वेंसी। कोई पूछे थ्रेसोल्ड वेवलेंथ बताइए, तो फ्रीक्वेंसी से आ जाएगा ना सी अपान लैम्डा टी एच म्यू और एफ लैम्डा, तो आपको थ्रेसोल्ड फ्रीक्वेंसी मिल गई। प्लेस करिए सी की वैल्यू पता है, थ्रेसोल्ड वेवलेंथ आ जाएगा।